तो दोस्तों कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस भी सुनते हैं, जैसे कि सब यही बोलते हैं, या फिर सब ने यही बोला, या फिर सब यही बोलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए इसमें आपको किस तरह से अपना स्ट्रक्चर वो बनाना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट का मतलब है यह वही है, या फिर यह वही है जो बात उन लोगों ने वहां पर बोली थी या फिर बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिस इज व्हाट, उसके बाद आपको लिखना है एवरीवन, और उसके बाद आपको जो वर्ब है जो कहने वाली, यानी कि सब यही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बोलने वाला है, तो यहाँ पर जो बोलने वाला वर्ड है ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है सेज, अगर वो प्रेजेंट में है, और यदि पास्ट में है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ, सब यही बोलते हैं, यानी कि ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हाट एवरीवन सेज, यानी कि सब यही बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सबने यही बोला, यानी कि ये आपका पास्ट का टेंस हो जाएगा, सबने यही बोला। दिस इज व्हाट एवरीवन सेड, यानी कि यह वही है जो कि सब लोगों ने कहा। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, सब यही बोलेंगे। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।